मुख्यमंत्री जी ने हमारा युवाओं को वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। अगर जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं तब तक 5000 और 7000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। तो हम लोग तो इंतजार में थे कि आएगा 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 आएगा, लेकिन अगस्त महीना अगर समाप्त हो जाते हैं उसका बाद 5 लाख नौकरी भी आने का संभावना खत्म हो जाते हैं, और साथ में 5000 और 7000 रुपया भी नहीं आते हैं। 12 महीना 5000 7000 होते हैं, 5 साल में 3 लाख रुपया होते हैं, लेकिन युवाओं को पैसा भी नहीं मिला। तो इसीलिए हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निर्णय किया है कि 23 अगस्त को हम लोग युवा आक्रोश रैली करूंगा। बाबूलाल जी और मैं बैठक में उपस्थित था, हमने इतना ही बोला कि आपने युवा आक्रोश रैली कीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से कीजिए, और इसी के लिए कीजिए कि आज का बात कोई भी मुख्यमंत्री जो भी पॉलिटिकल पार्टी से हो झूठा वादा देने का हिम्मत आगे ना करे, नहीं तो इस चुनाव में भी झूठा वादा करने का एक पूरा भरपूर सूची प्रस्तुत हो जाएगा। आज आप देखिए, हमको अगर माँ को 1000 रुपया देना था, 5 साल में से नहीं दे सकता, कम से कम 6 महीना आगे तो देना चाहिए था। आज एक फॉर्म के लिए 200-300 रुपया रिश्वत भी देना पड़ रहा है, कंप्यूटर खराब है, 2-3 दिन काम छोड़ के हमको अपना केंद्र में आना। यही बाबूलाल जी और मैंने हमारे युवा मोर्चा का लोगों को सलाह दिया। हर घर तिरंगा का भी कार्यक्रम है, उसका बारे में भी हमारा गुरु प्रकाश जी दिल्ली से आए हैं, कैसे हम लोग को करना है उसका ऊपर भी उन्होंने लोगों को मार्गदर्शन दिया, और एक अच्छा माहौल में हमारा सभा हुआ। लोगों का जो उत्साह है वो देख के मुझको इतना ही मैं बोल सकता हूँ, झारखंड का हवा पूरा पलट चुका है। चुनाव आयोग को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि राजनीति कर जनता को आगे नहीं ठगे, इसमें आगे कार्रवाई हो और चुनाव घोषणा पत्र इन चीजों को वही चीजें शामिल हो जो अपनी वादा। देखिए, चुनाव आयोग से ऊपर जनता है, अगर जो भी झूठा वादा देते हैं अगर उनको एक बार आप बुरी तरह हरवा देता है, अगली बार झूठा वादा नहीं होगा। चुनाव आयोग क्या करे नहीं करे वो तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, उनका ऊपर मैं कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं अगर आपको बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा, कम से कम तो 1 लाख दे दो, लोग तो इतना तो मानते हैं। ठीक है, चलो पॉलिटिशियन ने 5 लाख बोला है तो 1 लाख करेगा, लेकिन यहाँ में तो 1 लाख सॉरी 10,000 भी नहीं हुआ। तो मुद्दा यही है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये बात मानना है कि घुसपैठी आए हैं। मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था, अभी हमारा 19 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा हो चुका है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर, लेकिन पहले 2019 में यह संख्या नहीं था, 14 में यह संख्या नहीं था। तो एक लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आने का पहले उनका ऊपर एक जांच होना चाहिए। एक भी झारखंड में अगर नया आधार कार्ड इश्यू होते हैं
उसका जांच होना चाहिए कि ये व्यक्ति यहाँ का है, कोई दूसरा प्रदेश से या दूसरा देश से आए हैं। झारखंड में अभी तुष्टीकरण का कंपटीशन हुआ है, हिसाब लगा के बैठा हुआ है कि ये 20% वोट अगर हमको रेडीमेड मिल जाता हूँ तब तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो रेडीमेड वोट बैंक का यहाँ में कंपटीशन हो रहा है। परसों या कल मैंने एक ट्वीट किया हूँ, बांग्लादेश में हिंदू का संख्या कितना कम हुआ है, समानुपातिक असम में कितना कम हुआ है। मैं झारखंड और वेस्ट बंगाल का बात जानबूझ के मैंने नहीं लिखा, यहाँ में भी हिंदू का संख्या घाटा है, आदिवासी का संख्या भी घाटा है, हिंदू का संख्या भी घाटा है। ये दोनों एक ही आप दृष्टि से देखिए, आदिवासी का भी संख्या घाटा है और कुल मिला के आदिवासियों को छोड़ के बाकी जो हिंदू समाज है उनका भी संख्या घाटा है, खाली एक विशेष समुदाय का ही संख्या बढ़ा है। साथ साथ में झारखंड से जो माइग्रेशन हो रहा है, नौकरी नहीं मिलने का कारण लोग दूसरा प्रदेश में जा रहा है, इसका जो वैक्यूम है इसको ओलूगा के पूरा कर रहा है। झारखंड का युवा बेंगलोर जा रहा है, झारखंड का युवा हैदराबाद जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और जो बाजार में जो भेकुआम हो रहा है वो मुर्शिदाबाद से आ रहा है। तो समस्या कठिन है, एक घड़ी सबको मिलकर लड़ना है, फिर जाके ठीक होगा। बांग्लादेश में हालत बहुत खराब है, हर दिन सीमा, अभी मैं जो आ रहा था सुबह सुबह मुझको डीजीपी ने फोन किया है कि 8 व्यक्ति आके सीमा में है, रो रहा है कि हम वहां पास नहीं जा सकता हूँ। मुझको डीजीपी ने पूछा क्या करना है, मैं बोला अभी दिल्ली से पूछिए, दिल्ली का जो ऑर्डर होगा हम ऐसे ही करूंगा। हर दिन ऐसा घटना घट रहा है, लेकिन हम बांग्लादेश तक क्यों जाए, पाकुड़ में तो वही हो रहा है। जो बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो गोपीनाथ नगर में हो रहा है, वही तो तारानगर में हो रहा है। जो बांग्लादेश में आज जो दिखाई दे रहा है वही चीज 10 साल का बाद अगर भगवान हम लोग को जिंदा रखे तो हम लोग इधर ही वो चीज देखने जा रहा हूं। ये समय खराब समय है, घुसपैठिया है, और घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने का जो एक इजी एफोर्ड हो गया ना, नौकरी नहीं देना है, रास्ता नहीं बनाना है, मेडिकल कॉलेज नहीं करना है, यूनिवर्सिटी नहीं बनाना है, खाली 2 ट्रैक घुसपैठियों को लेके आओ। देखिए ये निर्णय भारत सरकार को लेना है, वैदेशिक विषय में स्टेट का अपना निर्णय नहीं होता है, लेकिन मेरा इतना जरूर मैं मानता हूं कि मोदी जी इतना जरूर करेगा कि बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई बहन है उनको नया सरकार सुरक्षा देने में मजबूर हो जाए। ये डिप्लोमेटिकली आप 1000 को ले आ सकता है, 8% है, 2 करोड़ तो वहां रहेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। सबसे पहले हमको इतना करना है कि बांग्लादेश में ही वो लोग सुरक्षा कवच मिले, तो यही डिप्लोमेटिक एफोर्ड हमें करना चाहिए, और मेरा विश्वास है मोदी जी जरूर ये काम शुरू कर दिया है। देखिए सीनिट करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम लोग असम में सीनिट करने में मुश्किल हो गया, किसलिए, वोटर लिस्ट लोगों ने जलवा दिया। हमारा असम में 71 तक वोटर लिस्ट नहीं है, वो ऑफिस में घुसपैठियों ने कोई समय में कांग्रेस का शासन में जला दिया था, इसीलिए हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। झारखंड में पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप लोग एक दिन पकड़ के कि इस दिन से हम फैमिली ट्री बना लूंगा, तो ये इसका साइंटिफिक तरीका है। जैसे आप मान लीजिए कि पाकुड़ में 65% हुआ है, पाकुड़ में मैंने मिल के आया था 15 साल पहले, वहां हिंदू विधायक हुआ करते थे, मतलब एक दिन से स्थिति बिगड़ने लगा। वो दिन का वोटर लिस्ट निकालिए और आज जिसका नाम वोटर लिस्ट है उनको नोटिस कीजिए, आप कागज दिखाइए। सरकार अगर काम करे
पांच साल निरंतर काम करे तो हमें इस जो व्यवस्था है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई सरकार 100% कर पाएगा, लेकिन आसाम से झारखंड बेहतर स्थिति में है, इसलिए झारखंड में पूरा वोटर लिस्ट मौजूद है। वही मैं बोल रहा हूं ना कि आप झारखंड का वोटर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोट देखिए, कहीं में 65% से 20% तक, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका जा चुका है लगभग। कोई पॉलिटिशियन का हिम्मत नहीं होता है कि मेरा केंद्र में जिसका वोट है उसका खिलाफ में आवाज उठा। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 घुसपैठिया का वोट है, मैं कैसे उनका खिलाफ आवाज उठाता हूं? मैं आवाज नहीं उठा सकता हूं। तो वोट नहीं आना चाहिए वोटर लिस्ट में, तब हमारा आंदोलन हम लोग जारी रह सकता हूं। लेकिन एक बार वोटर लिस्ट में नाम घुस गया तो पॉलिटिशियन भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर देते हैं। तो इसीलिए बीजेपी का सरकार बने, हमारा बैठक भी हुआ है पूरा झारखंड टीम का साथ, गृह मंत्री जी भी थे, नड्डा जी भी थे, हम लोग दिल्ली में 3 घंटा बैठे घुसपैठियों का विषय को लेके, और झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा हूँ। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा है। मेरा 40% हो चुका है, और अभी अगर चुनाव हो जाता है, अगर 2021 का होता है, मैं 50% हो जाऊंगा। मेरा दुख इतना ही है, मेरा जन्म 50 में क्यों नहीं हुआ, मैं तब क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना। हम लोग लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ, और आप लोग जब जाएगा यहाँ का जो बात लोग बोल सकता है, वहां जाने से आप लोग देखेगा कैसे हम लोग हर दिन लड़ाई लड़ता हूँ, आमने सामने लड़ाई लड़ता हूँ। कोई कोई वो लड़ाई मतलब कोई अलग दिशा भी चला जाता है, फिर भी हम लोग बैठा हुआ है। अपॉइंटमेंट मांगा था वो नहीं है, अगली बार आऊंगा तो 16 तारीख में आऊंगा, तब मिल लूंगा। नमस्ते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।